ब्रज अर्थात ब्रजति गच्छति इति ब्रज, यानी जो स्थूल ना हो, जो चलता फिरता रहे, वही ब्रज है। ऐसी पवित्र भूमि जहाँ गो गोपाल गोप और गोपियां विचरण करते हों, वही ब्रज है। जहाँ के कण कण में प्रेम बिखरा पड़ा हो और इस प्रेम सागर में समय और काल से परे उन्नत उज्ज्वल प्रणय रस छलकता रहता हो, वही ब्रज है। यहाँ मौजूद समस्त तत्व वस्तुतः एक ही हैं। यही एक तत्व रसिकों और भक्तों का माननीय रहा है। जीव मात्र अपने अपने स्वरूप में अपनी अपनी विधि से इसी एक तत्व का अन्वेषण करता रहा है, क्योंकि उसके वास्तविक सुख शांति की राह इसी तत्व की प्राप्ति में संभव है। उपनिषद में इसी अद्वितीय नित्य स्वरूप को सच्चिदानंद धन कहा है। वेदव्यास जी ने कहा है, वस्तु तो जानता मत्र कृष्ण स्थास्नु चरिष्णु च भगव प्रुपमखिल नान्यद वस्तित्व किंचन। ब्रज 84 की ये पावन स्थली गोलोक का एक दिव्य खंड विशेष है, जहाँ वैकुंठाधिपति श्री कृष्ण अपने निज परिकर के साथ प्रकट हुए। उनकी अनुपम लीला माधुरी से ये ब्रज वसुंधरा महिमा मंडित हुई और यहाँ का कण कण मुक्ति को भी मुक्त करने वाला बन गया। मुक्ति कहे गोपाल सुन मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ी मस्तक लगे मुक्ति मुक्त हो जाए। गोकुलपति श्री कृष्ण और राधा की ये ब्रज भूमि चिंतामणि स्वरूप है। यहाँ का जल अमृत है और बोली ही संगीत है। ब्रजवासियों का चलना ही नृत्य है और उनकी वंशी प्रिय सखी है। आदि ग्रंथ ऋग्वेद के अनुसार जहाँ बड़ी ही सुंदर सींगों वाली तथा बहुत से गुणों वाली गायें विचरण करती हैं, जहाँ परम पुरुष श्री कृष्ण मधुर मुरली बजाते हुए उन गौओं का पालन करते हैं, वही ब्रज वृंदावन भगवान का श्रेष्ठतम धाम है। एक ऐसा हृदय धाम जहाँ की ब्रज बालाएं अपने हृदय घर में कृष्ण प्रेम रस भरने के लिए व्याकुल हो उठती हैं और सहसा कहती हैं, पनघट जान देरी पनघट जात है। कहने का मतलब है, सखीरी मुझे पनघट पर जाने दे, नहीं तो प्रियतम से मिलने का पन घट जाएगा। ऐसी अकुलाहट और कहीं नहीं, बस ब्रज में है। राधा कृष्ण की नगरी बरसाना में है। ये सर्वांग पूर्ण श्री कृष्ण तत्व समष्टि में स्थिर होते हुए भी सर्वकालिक पूर्णतम स्थिति में सदा अवस्थित रहता है। समस्त प्रपंच में होते हुए भी उससे विलक्षण है। समस्त प्रपंच के लय हो जाने पर वही एकमात्र शेष अथवा अन्यत्र रहता है। सबकी वो परमावधि है, सर्वत्र व्यापक है, अव्यज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सदा नित्य एवं सदा पूर्ण है। श्रुतियों में इस अद्वितीय परम तत्व को रसो वैसा कहा गया है। परम तत्व श्री कृष्ण की ये रसरूपता अपने स्वरूप में बड़ी विलक्षण है, अद्भुत है। Yeah.
Yeah.